दोस्तों सब्सक्राइब करें टेक्निकल यशवाल चैनल को और दबाए बेल आइकन लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में टीवाई टेक्निकल यश अग्रवाल। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने आ रहा हूँ आई बटन के बारे में। दोस्तों आई बटन वीडियो के अंदर क्यों लगाया जाता है और आई बटन अगर आपको नहीं पता तो आई बटन होता कहाँ है, और दोस्तों आई बटन का मतलब और आई बटन का मतलब क्या होता है, आई बटन के अंदर कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, तो देखते हैं इस वीडियो को। और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इससे आपको अंदर रहेगी मेरे यूट्यूब चैनल अपडेट सबसे पहले। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों आई बटन, दोस्तों आई बटन के अंदर कभी जो वीडियो होती है वीडियो के अंदर जो आप क्लिक करते हैं आपको ऊपर एक ऑप्शन आता है ऐड टू प्लेस का, और आपको इन्फॉर्मेशन और आपको उधर एक आई का एक छोटा सा सिंबल वो दिखता है। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने मैक्सिमम 5 वीडियोस आ सकती है, 5 से ज़्यादा वीडियोस आ ही नहीं सकती, उसके अंदर बस ऑप्शन ही 5 वीडियोस का होता है। और उसके अंदर फिर एक ऑप्शन आता है पोल का, उसके अंदर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। टेक्निकल गुरु जो अक्सर ये करते हैं कि एक ऑप्शन होते हैं दोस्तों मैक्सिमम 5, उसके अंदर मैक्स 5 से ज़्यादा ऑप्शन नहीं हो सकते, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपको उसमें से क्लिक करना होता है। और उसको जब आप क्लिक कर देते हैं उसकी एक टाइमिंग होती है, उस टाइमिंग के बाद यूट्यूबर के जिसका अपनी वीडियो में ऐड करा है वो पोल, उसके बाद एक नोटिफिकेशन पहुँच जाता है कि ज़्यादा 90% किसका रहा, 80% किसका रहा है, इस टाइप से कुछ परसेंटेज के अंदर उसके पास पहुँच, जिससे रिजल्ट पता लग जाता है। और उसको ये कुछ आई बटन का मतलब होता है। और आई बटन के जो वीडियो ऐड की जाती है वो क्या तो वो रिसेंट वीडियोस होती है, जो उस वीडियो से पहले 5 वीडियोस बनी है, या फिर जो उस वीडियो से रिलेटेड 5 वीडियोस है वो वीडियोस होती हैं, या फिर अगर आप यूट्यूब पर किसी वीडियो को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी खुद की किसी वीडियो को प्रमोट कर रहे हैं, फिर किसी और की वीडियो को प्रमोट कर रहे हैं, तो आई बटन के उसकी लिंक होती है। और ये आप डिस्क्रिप्शन में भी कर सकते हैं, लेकिन आई बटन में करने से ज़्यादा आसानी रहती है। आई बटन पर क्लिक करते हैं वो वीडियो डायरेक्ट व्यू हो जाती है, और डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके थोड़ा फॉलो कर कुछ जस्ट वंस ऐसे कुछ फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। दोस्तों ये सब आई बटन का, दोस्तों आई बटन ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं होता आई बटन लगाना। अगर आप यूट्यूबर और आपको अपनी वीडियो में आई बटन लगाना है तो आपको बस अपने चैनल के वीडियो मैनेजर पर जाना है, तो आपको एडिट आपको जो भी वीडियो में लगाना है आपको एडिट पर क्लिक करना है, फिर आपके जो ऊपर ऑप्शन आते हैं ऑडियो का सबटाइटल सीसी, उसके आगे दोस्तों आई कार्ड का ऑप्शन होता है आई कार्ड, आपको उस पर क्लिक करना है और आपका एड आई कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आपको पोल का ऑप्शन भी मिल जाएगा, लिंक का ऑप्शन भी मिल जाएगा, वीडियो और पेस्ट का ऑप्शन भी मिल जाएगा, आप उधर पेस्ट भी लगा सकते हैं, और ऐसे दोस्तों आपको उधर 4 ऑप्शन मिलते हैं कुल। और दोस्तों आप उस तरीके से अपने वीडियो के अंदर आई बटन लगा सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अगर आज की वीडियो आपको पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करना भूलिएगा, मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, इससे आपको मिलती रहेगी मेरे यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले। स्टे ट्यून्ड विद टेक्निकल यश अग्रवाल।